इन दिनों पूरे प्रदेश में कांग्रेस जन जागरण यात्रा निकाल रही है, जहां ऐसी ही जन जागरण यात्रा विधायक जयवर्धन सिंह के नेतृत्व में राघवगढ़ विधानसभा में भी निकाली गई, जिसका समापन प्रभात फेरी के साथ किया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। राघवगढ़ में निकली कांग्रेस की जन जागरण यात्रा, विधायक जयवर्धन सिंह के नेतृत्व में निकली जन जागरण यात्रा। कांग्रेस की जन जागरण यात्रा ने 7 गांवों का किया भ्रमण। रात्रि विश्राम के बाद अब प्रभात फेरी के साथ होगा यात्रा समापन। महंगाई और बेरोजगारी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को जनता के बीच ले जाने के लिए कांग्रेस ने जन जागरण यात्रा की शुरुआत की है, जहां ये जन जागरण यात्रा विधायक जयवर्धन सिंह के नेतृत्व में राघवगढ़ विधानसभा पहुंची। यहां 7 गांवों का भ्रमण करने के बाद अब प्रभात फेरी के साथ इस जन जागरण यात्रा का समापन होगा। आज हमारे बरसत में जन जागरण अभियान के द्वारा प्रथम पदयात्रा का समापन आज बरसत में हो रहा है। हर बार जब सभा बरसत में होती है तो इसी स्थान पर होती है, और मुझे याद है पिछले विधानसभा चुनाव के पहले बरसत गांव के 3-4 बड़े मुद्दे थे। एक था पटौंदी से लेके बरसत तक रोड, दूसरा था बरसत रोड से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल तक पुलिया, तीसरा था बरसत से डोवा, चौथा था जंजाली मकसूदनगढ़ सड़क, और एक और मांग थी कि जो मेला ग्राउंड है वहां का बाउंड्री वॉल किया जाए। मुझे ये कहकर बहुत खुशी हो रही है कि ये सभी काम हमने 5 साल में नहीं 3 साल में पूरे करके दिखाए। विशेषकर इस जन जागरण अभियान के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ये प्रयास कर रही है कि जो वास्तविक स्थिति आज हमारे देश में है, प्रदेश में है, उन मुद्दों को हम हर घर तक पहुंचाएं, हर किसान तक पहुंचाए, हर नौजवान तक पहुंचाए, हर महिला तक पहुंचाए। और मैं आप सबको आज याद दिलवाना चाहता हूं, आज से 7 साल पहले की बात, जब देश में सरकार कांग्रेस पार्टी की थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, पेट्रोल के दाम 55 रुपए थे, डीजल के दाम 45 रुपए थे, उस समय भाजपा के लोग जोर जोर से कहते थे बहुत हो गई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, जनता को लगा कि नहीं इनकी बात में दम है, कांग्रेस की सरकार अगर पेट्रोल 55 रुपए पर दे रही है तो कहीं ना कहीं ज्यादा महंगा है, मोदी जी आएंगे तो सस्ते दाम में पेट्रोल मिलेगा, डीजल मिलेगा। दादा 2 मिनट, और भाजपा को और मोदी जी को एक बार नहीं 2 बार मौका दिया, इनकी सरकार पिछले 7 साल में है। इस जन जागरण यात्रा के दौरान विधायक जयवर्धन सिंह को ग्रामीणों का भी अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है, जहां जयवर्धन सिंह के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता दिखाई पड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, राघवगढ़।